हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर आई हैव डिस्कस लास्ट वीक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. दिलप्रीत, व्हाट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वाज कॉल्ड? नहीं आता ना? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. केशव लिखी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कॉल्ड ऑन विच डेट? 18 May 1848. सिमरप्रीत, इन विच बिल्डिंग दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कॉल्ड? बिल्डिंग ऑफ सेंट पॉल चर्च. नेक्स्ट, हु रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मन यूनिफिकेशन? किंग ऑफ प्रशिया. कौन थे उस समय किंग ऑफ प्रशिया? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ. ऐसे क्वेश्चंस लर्न करो एमसीक्यूज के लिए, वन मार्क के लिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट वाज द फर्स्ट फेस ऑफ यूनिफिकेशन कॉल? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. व्हाई दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड? बिकॉज किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल टू यूनिफाइड एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट. किंग ने नहीं जो है वो चाहता था कि उसकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो और पार्लियामेंट हो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज, व्हेन सेकंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन स्टार्टेड, हु इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन बिस्मार्क इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. With how many countries Bismarck fought war to unify Germany? 3. Austria, Denmark and France. ADF. Austria, Denmark and France. In which year Germany was unified? 1871. इसको अच्छी तरह से याद करो. Germany unified हुआ 1871 एंड इटली कब हुआ? 1861. इटली पहले हुआ, जर्मनी बाद में. इटली 1861, जर्मनी 1871. एंड व्हेन जर्मन वाज यूनिफाइड, हु बिकेम द न्यू किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी? काइजर विलियम वन. देखो कितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं, आप आंसर नहीं दे रहे हो ना साथ साथ. Next question. Italy. Before unification, Italy was divided into how many states? 7 states. उन 7 states में से एक state थी Sardinia, Piedmont, जहां पे monarchy system था. इस kingdom के जो king थे उनका नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल जो थे वो इटालियन स्पीकिंग एरियाज को इकट्ठा करना चाहते थे. लेकिन इटली जो था वो कितने एरियाज में डिवाइडेड था? 7 स्टेट्स. इन 7 स्टेट्स में से सार्डिनिया पीडमोंट एक अलग से किंगडम थी. तो विक्टर इमैनुअल की आर्मी कमांडर और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे, दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल टू यूनिफाइड इटली. अब आपने इन सबके नेम याद रखने. सबसे पहले इटालियन यूनिफिकेशन में जो मेन नेम है वो किसका है? मैजिनी वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी. कौन थे मैजिनी? इटालियन रेवोल्यूशनरी. ठीक है, इन्होंने कहा था कि इटली जो है पैचवर्क नहीं हो सकता. पैचवर्क का मतलब 7 स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए. इटालियन स्पीकिंग जो एरियाज हैं वो वन नेशन होने चाहिए. फॉर दैट He formed many organization. लेकिन 1831 में क्या किया गया? He was given exile because he revolted. ठीक है, king के against revolt किया, that's why he was given exile. ठीक है, और उसके बाद फिर सार्डिनिया पीडमोंट के अंडर जो विक्टर इमैनुअल थे, इनके CM कावूर, पूरा नाम क्या है? काउंट कामिलियो डी कावूर, CM. एंड इनके मिलिट्री कमांडर कौन थे? गैरी बेल्डी.
इन्होंने इटली की जितनी भी अलग अलग स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में आर्मी की हेल्प से अटैक किया और इटली के इटालियन स्पीकिंग एरिया जो थे, पहले इसका नाम इटली नहीं था, लेकिन जब विक्टर इमैनुअल ने इन सभी स्टेट्स को कंबाइन किया देन इट वाज कॉल्ड यूनाइटेड इटली। एंड हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? विक्टर इमैनुअल सेकेंड, साथ में जरूर लगाना सेकेंड, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। कौन से ईयर में? 1861। मैं फिर से सारे वन मार्क क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, आप खुद सोचो कि जब आप यूनिफिकेशन के क्वेश्चंस याद करते हो बच्चे, जब भी हमने किसी चैप्टर को ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए लर्न करना है, बेस्ट है नंबर वन रीडिंग ऑफ द चैप्टर। नो डाउट चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, यू कांट रीड होल चैप्टर इन अ डे, फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड द चैप्टर अकॉर्डिंग टू डेज। ठीक है, आप एक चैप्टर को 4 days, 5 days में प्रॉपरली उसकी थॉरो रीडिंग कर लो। आफ्टर दैट इवेंट्स, मेन मेन पैराग्राफ जो है उनकी इवेंट्स की लिस्ट बनाओ। अब जितनी बार आप इवेंट्स की लिस्ट बनाओगे ना, आपके सामने अपने आप पेजेस खुलते हैं, आपको बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरे माइंड में है कि जैसे ही मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, आपके सामने फ्रेडरिक सोरे की पेंटिंग है, नेक्स्ट पेज टर्न करोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसके बाद टर्न करोगे हैब्सबर्ग एम्पायर है, उसके बाद टर्न करोगे तो नेशनलिज्म है, लिबरलिज्म का टॉपिक है, फिर टर्न करते हो तो यूनिफिकेशन आती है सारी, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद टर्न करते हो तो फिर आती है एलिगरीज, एलिगरीज टर्न करते हो तो लास्ट में क्या है, बालकन। अब ये जो है आउटलाइन आपके माइंड में चैप्टर की, नंबर टू है आउटलाइन, नंबर वन इज रीडिंग, नंबर टू इज आउटलाइन। अब जब आउटलाइन आपके माइंड में आ गई तो अब आपने क्या करना है, हर पेज, डबल पेज है या ट्रिपल पेज है, उस पेज के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज हैं उनको प्रॉपरली अंडरलाइन। यू कांट राइट ऑल द क्वेश्चंस, आप नहीं ना लिख सकते, लेकिन अब क्या करो उसमें जितने ईयर्स है ना उनको सर्कल कर लो, ताकि आपके माइंड में आ जाए कि ये ईयर जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या, और ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी अलग से एक लिस्ट, या उनको सिंक्रोनाइज या उनको डेट के अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, जब यूनिफिकेशन, जैसे मैंने कहा इटली कब हुआ 1861 और जर्मनी कब हुआ 1871। अब इसको कैसे याद करना है, आपने आपकी बुक में जर्मन यूनिफिकेशन पहले दिया हुआ है, ठीक है, तो वो बाद में यानी कि 1871 में, उसके बाद क्या दिया हुआ है इटालियन यूनिफिकेशन, तो वो 1861 है। लेकिन आपने इसको कैसे याद रखना कि आपको भूले ना, हाँ जी कैसे याद रखना है, आपने इसको याद रखना है जर्मनी जो है या इटली में, इटली पहले यूनिफाइड हुआ जर्मनी बाद में हुआ, इटली कब हुआ 1861 में और जर्मनी कब हुआ 1871। तो वन मार्क क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया। अब अपने किंग्स के नाम याद रखने, इटली यूनिफाइड हुआ, यूनिफाइड इटली में किंग जो था वो कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, और जर्मनी जब यूनिफाइड हुआ तब कौन थे, काइजर विलियम। लेकिन यूनिफिकेशन से पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में किंग कौन थे, फ्रेडरिक विलियम। तो तीन किंग के नाम याद करने, नंबर वन इटली के किंग कौन थे, विक्टर इमैनुअल, जर्मनी के किंग यूनिफिकेशन के टाइम कौन थे, काइजर विलियम, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कौन थे, फ्रेडरिक विलियम। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंट्रीज के नेम, करेक्टर्स नेम याद रखने। अब जब तीनों यूनिफिकेशन आप पढ़ते हो तो ब्रिटेन में आपने करेक्टर्स नहीं याद करते हो ना, लेकिन करेक्टर्स की प्रॉब्लम इसमें आती है मेन जर्मनी और इटली में। तो जर्मनी में याद करो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आपने सिर्फ एक ही नाम सुना है, किसका नाम सुना है, फ्रेडरिक विलियम फोर। ठीक है, लेकिन जब सेकंड फेस हुआ जर्मनी का, उसमें आपने, मैंने एक और नाम आपको बताया, रोल ऑफ विस्मार्क, कि विस्मार्क ने जर्मनी की यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जर्मनी अंडर, किसके अंडर था, काइजर विलियम के अंडर, और उसने जर्मनी यानी कि उसने तीन कंट्रीज के साथ वॉर लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंड अल्टीमेटली ये जो वॉर थी इसको कितना टाइम लगा, 7 years, और इन 7 years में उसने जर्मन स्पीकिंग एरियाज को आर्मी की हेल्प से कंबाइन किया, एंड काइजर विलियम वॉज डिक्लेयर्ड एज अ किंग ऑफ जर्मनी। क्या कावूर, ये इटली में आपने याद रखना, कावूर जो थे ये थे सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट। इटली की यूनिफिकेशन कब हुई 1861, लेकिन मेन तीन कैरेक्टर्स और आपने याद रखने किंग के अलावा,
किंग कौन थे? विक्टर इमैनुअल नंबर वन, मेज़िनी नंबर टू, कावूर नंबर थ्री, गैरी बाय। ठीक है, तो ये मेन आपने करेक्टर्स के नाम, ईयर्स के नाम इस तरह से याद किए। और अब आपने नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन को स्ट्रेंज केस क्यों कहते हैं? ब्रिटेन को स्ट्रेंज केस इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में कोई वॉर पॉलिसी नहीं हुई। इसकी स्टोरी की तरह इसको लर्न करोगे आप। अब इसको लर्न करने के लिए पहले डेट्स जो है, डेट्स इंपॉर्टेंट डेट जो है ना इसकी, उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखो। नंबर वन 1688, जो इस यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखो 1707, फिर लिखो 1801। ठीक है, अब स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में आपको ये तीन डेट्स पहले याद करनी है, इनकी इंपॉर्टेंस याद करनी है, और आपको ये याद करना है कि ब्रिटेन जो था, क्या आज जो ब्रिटेन है पहले भी ऐसा था? नो, अर्लियर दिस वॉज नॉट अ नेशन, पहले ये ब्रिटेन ऐसा नहीं था, बिकॉज इट वॉज डिवाइडेड इन टू एथनिक कॉम्पोजिशन। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ी थी, या जैसे हमने बाकी कंट्रीज में पढ़ी, श्रीलंका में पढ़ी, तो इस एथनिक कॉम्पोजिशन में अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज थी। कौन कौन से थे? इंग्लिश, इंग्लिश कहने को लैंग्वेज है, लेकिन जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारे मन में कौन आते हैं? ब्रिटिशर्स। नंबर वन इंग्लिश मैन और ब्रिटिशर्स, नंबर टू वेल्स। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, ठीक है। थर्ड स्कॉट, स्कॉटिश, स्कॉटिश लोगों को कहा जाता है, और एरिया, एरिया मीन स्कॉटलैंड, ठीक है। देन आयरिश, पीपल ऑफ आयरलैंड इज कॉल्ड आयरिश, जैसे इंडिया इंडियन, जापान जापानीज, चाइना चाइनीज, ऐसे ही ब्रिटेन ब्रिटिशर्स। वेल्स, वेल्स तो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी, वेल्स भी कह सकते हो। स्कॉट, स्कॉटिश, स्कॉटलैंड, आयरिश, आयरलैंड। अब सबसे ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट कौन थे, रिच कौन थे? इंग्लिश में। और इंग्लैंड में 1688 से पहले स्ट्रिक्ट मोनार्की सिस्टम था जिसमें सिर्फ किंग का रूल था, लेकिन मोनार्की सिस्टम को अपोज किया गया और पार्लियामेंट की डिमांड रखी गई, तो इंग्लैंड में क्या हुआ? पार्लियामेंट बनी। इस पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन या एमपीज किनका था? ब्रिटिशर्स, या इंग्लिश, इंग्लिश मैन भी कह सकते। एंड दे सीज द पावर, जिसकी पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उनकी पावर जो है वो ज्यादा होगी, उनकी मेजोरिटी होगी। इसका मतलब क्या है कि जो पूरे, यानी कि इन सभी टेरिटरीज थी अलग अलग, लेकिन जो पार्लियामेंट थी वो पार्लियामेंट में मेन मेजोरिटी किसकी थी? ब्रिटिशर्स। इन्होंने इसी चीज का फायदा लिया। पार्लियामेंट का मतलब होता है जब भी कोई लॉ जो है वो पास किया जाता है तो उसके लिए वोटिंग करवाई जाती है, और इस वोटिंग में क्या होता है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है तो लॉ वैसा बनता है। 1688 आपने ये बताना है, 1688 इंग्लिश और ब्रिटिशर्स दे सीज द पार्लियामेंट। सीज द पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? उसको कंट्रोल करना। सीज द पार्लियामेंट, कंट्रोल किया पार्लियामेंट पे, बिकॉज नाउ देयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन वॉज मोर, और जिसकी मेजोरिटी होती है तो ऑटोमेटिकली उनका रूल जो है वो माना जाता है। प्रॉपरली बटता, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने ये बताना है कि जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो बाकी एरियाज जो हैं उन एरियाज को अपने अंडर लाना चाहते थे, बट एट दैट टाइम ये जो एरियाज थे ना, इनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब अपनी अपनी गवर्नमेंट। जैसे अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, पंजाब के गवर्नर अलग थे, मराठा अलग थे, ठीक है, सदरन इंडिया अलग था, लेकिन था सारा कंबाइन इंडिया, ठीक है। एंड इसी तरह से वेल्स, स्कॉट्स एंड आयरिश जो थे, ये अलग अलग इनकी अपनी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन ब्रिटिशर्स इनको ओवर रूल करना चाहते थे, जैसे इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, ठीक है। कैसे किया? अब बिना किसी वॉर के पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, और पहला एक्ट जो पास किया गया दैट इज इन 1707। नाउ राइट डाउन,
Why this year is important? Because in this year, Act of Union was signed. Act of Union was signed between England and Scotland. बिना किसी वॉर के स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बना लिया गया. एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. एंड नेम चेंज कर दिया गया, एरिया का नेम चेंज कर दिया गया. क्या कहा गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. इस तरह से यूके बना, यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम मतलब किस किंगडम को ऐड किया गया? किसको ऐड किया गया? स्कॉटलैंड. कौन से ईयर में? 1707. ठीक है. इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता गया, आयरिश, ये इनका अपना अलग से कल्चर था, इनकी अपनी सेल्फ डोमिनेशन. सेल्फ डोमिनेशन का मतलब अपनी गवर्नमेंट. नाउ इंग्लैंड वांटेड टू कैप्चर, यूके जो था आयरिश को भी, यानी कि आयरलैंड को भी कंट्रोल करना चाहते थे. देन इन 1801 आयरलैंड वॉज इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि उसको भी अपनी कंट्री का पार्ट बना लिया गया. अगर बाय चांस आयरलैंड इंग्लैंड का पार्ट ना बनता तो इंग्लैंड क्या कर सकता था? आयरलैंड पे अटैक कर सकते थे. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग अटैक या टेररिज्म या इस एक्टिविटी से डरने के कारण वो अपने आप को उस कंट्री का पार्ट बनाने के लिए इजिली जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. बच्चे ये ऐसा ही है जैसे आपको याद है हमारी कंट्री में जब प्रिंसली स्टेट थी, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद मोर देन 400 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर. ब्रिटिशर्स जाते थे, डिवाइड एंड पॉलिसी जो है वो हमारी कंट्री में छोड़ गए और इन किंगडम्स को फ्री कर दिया, दैट दे आर इंडिपेंडेंट. दे वांटेड टू बी इन द इंडिया और पाकिस्तान, दैट इज अप टू दैट. इनमें से बेस्ट फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह. अब वो इंडिया में जाए या पाकिस्तान में, तो उन्होंने क्या कहा कि वी विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली देन इफ वी हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन. और तब कौन सा आर्टिकल बना था? आर्टिकल 370. और उस आर्टिकल 370 को कितने इयर्स तक फॉलो किया? कश्मीर, यानी कि कोई भी इंडियन जो है वो कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता. ठीक है. एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अलग होगी इंडिया से. इंडियन आर्मी विल प्रोटेक्ट कश्मीर बट देयर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सेपरेट. बट नाउ दिस आर्टिकल 370 हैव बीन अबॉलिश्ड. नाउ वी आर फ्री, वी आर फ्री, वी इंडियंस आर फ्री. अब दोनों स्टेट्स को इक्वल कर दिया गया, किसी भी तरह से कोई स्पेशल पावर नहीं दी गई. ठीक है. तो ऐसा ही उस टाइम पीरियड में आयरलैंड जो है उसको इंग्लैंड का पार्ट बनाया. अंडर विच एक्ट? एक्ट ऑफ 1801. ठीक है. एंड अब तीनों एरियाज को एक कंबाइन कंट्री बना दिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके. अब इस यूके का नया फ्लैग कौन सा जो है वो डिसाइड किया गया? यूनियन जैक. तीनों एरियाज को कंबाइन करके यूके बनाया, यूनाइटेड किंगडम. आज अगर हम यूनाइटेड किंगडम यूके जाते हैं तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड अलग अलग कंट्रीज नहीं है, दीज आर द पार्ट ऑफ यूके. नेक्स्ट इज नेशनल एंथम. कौन सा नेशनल एंथम डिसाइड किया गया? गॉड सेव आर नोबल किंग. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है विच इज द नेशनल एंथम ऑफ यूके, गॉड सेव आर नोबल किंग. हाँ जी, अभी भी वही है. हाँ, वो चलो है लेकिन सेम रही है ना. नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोग अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, गैलिक लैंग्वेज. दे वर नॉट परमिटेड टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, दे वर परमिटेड टू स्पीक ओनली इंग्लिश. इंग्लिश उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई, इंग्लिश बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज. रिलीजन कौन सा? रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन क्या डिक्लेयर किया गया? क्रिश्चियनिटी. Christianity. So in this way, UK was formed and unified and came into being. Clear? हाँ जी. नेक्स्ट है बच्चे एलिगरीज. एलिगरीज क्या होती है? एलिगरी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. जैसे हम कहते हैं ना हमारी कंट्री जो है, अगर हमने इसको विमेन फिगर में देखना है तो हमारी कंट्री के बहुत से जो पेंटर्स थे इन्होंने भारत माता की इमेज बनाई, भारत माता. ऐसे ही दो कंट्रीज का एग्जांपल है आपकी बुक में, एक है फ्रांस और एक है मैरियन. फ्रांस एंड मैरियन,
ठीक है, फ्रांस की मैरियन, जर्मनी की क्या है, जर्मनी एंड जर्मेनिया। अगर हम जर्मनी बोलते हैं, जर्मेनिया बोलते हैं, तो वन ऑन द सेम थिंग। इसका मतलब क्या है, जर्मेनिया इज द परसोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मैरियन इज द परसोनिफिकेशन ऑफ फ्रांस। कहां पे देख सकते हो इसको, कॉइंस, स्टैम्प्स, वहां पे फ्रांस में अलग अलग म्यूजियम्स वहां पे, और सपोज वहां पे कोई भी उनकी जो रॉयल, रॉयल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनपे भी आप इनकी फोटोज वगैरह देख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज जर्मेनिया। जर्मेनिया इज द परसोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसकी इमेजेस बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि फ्रांस जो है वो जल्दी मोनार्की से फ्री हो गया, जर्मनी को टाइम लगा। तो जर्मनी की तो बहुत सी विमेन फिगर परसोनिफिकेशन जो है वो बनी थी, अलग अलग सिंबल्स बने थे। तो राइट डाउन हर सिंबल का क्या मतलब है, वन मार्क क्वेश्चन। नंबर वन, आपकी बुक में एक सिंबल है जिसमें जर्मेनिया फॉलन दिखाई गई, फॉलन मतलब गिरी, मतलब जो है वो स्लीपिंग पोस्टर में है, लेकिन उसके सामने ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन्स का मतलब क्या है कि कंट्री अभी अभी क्या हुई है, लिबरेट हुई है। जैसे 1947 में क्या दिखाया होगा, भारत माता की इमेजेस को, जंजीरों को खोल खुला हुआ दिखाया होगा कि गुलामी खत्म हो गई, ऐसे ही। ठीक है, नंबर वन, ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन विद जर्मेनिया का मतलब क्या है, बीइंग फ्री, कि वो फ्रीडम, फ्रीडम मिल गई उनको मोनार्की से, या टॉर्चर से फ्रीडम मिल गई। देन इसके बाद आपकी बुक में जर्मेनिया जो है उसके फ्रंट पे ईगल, ईगल जो है वो क्या शो करती है, पावर, पावरफुल बर्ड होता है ना, तो ये शो करता है कि जो जर्मेनिया है दैट इज पावरफुल, कि अब वो पावरफुल हो गई है। देन एक पिक्चर में जर्मेनिया इज वेयरिंग क्राउन ऑफ ऑक लीव्स, वो क्या शो करती है, हीरोइज्म, क्राउन पहना हुआ है और साथ में पीस भी है, यानी कि वो पीस के लिए भी रेडी है, पीस ट्रीटी साइन करना मतलब। देन नेक्स्ट इज स्वॉर्ड, उसके हाथ में स्वॉर्ड है, रेडी टू फाइट, जर्मेनिया के हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई है कि वो हमेशा, जर्मनी हमेशा लड़ाई के लिए रेडी है, रेडी टू फाइट। फिर एक पिक्चर में उसी स्वॉर्ड के आसपास ऑक लीव्स जो है लपेटी हुई, उसका क्या मतलब है, रेडी टू फाइट एंड रेडी टू पीस आल्सो, कि अगर लड़ने के लिए तैयार है तो पीस के लिए भी तैयार है। ठीक है, ऑलिव ब्रांचेस अराउंड स्वॉर्ड, इसका मतलब क्या है, ऑलिव ब्रांचेस ऑन स्वॉर्ड मींस रेडी या विलिंग टू मेक पीस, विलिंग टू मेक पीस। देन जर्मेनिया के कलर्स, कौन से कलर्स हैं मेनली इनके, इनका जो गाउन है उसके कलर कौन से, वेल जो है उसका कलर कौन सा, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। जो इनका फ्लैग, इनके फ्लैग का कलर शो करता है, 1848 में जो फ्लैग था उस कलर, उसको कलर को शो करता है। अच्छा, एक पिक्चर में जो लास्ट पिक्चर है उस पिक्चर में जर्मेनिया इज होल्डिंग स्वॉर्ड नियर, स्टैंडिंग नियर द रिवर, रिवर का नाम क्या है, राइन, आर एच आई एन ई, राइन वैली, आपको याद होगा राइन रिवर, और उनके पीछे दिखाया गया है रेज, सन रेज। मीन्स ये क्या है, इसका मतलब है कि जर्मेनिया इज प्रोटेक्टिंग राइन रिवर एंड जर्मनी, होल्डिंग स्वॉर्ड इन हर हैंड, एंड पीछे दिखाया गया है लाइक मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब टाइम होता है स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा, इसका मतलब है कि जब जर्मनी को फ्रीडम मिल गई है, इसके बाद जर्मेनिया यानी कि कंट्री जो है वो अब लड़ने के लिए तैयार है, और प्रोटेक्शन पूरे लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, सो रेज ऑफ राइजिंग सन, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा, न्यू पीरियड। क्लियर, तो वन मार्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, बालकन टेंशन। वैसे तो हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया था, अब इसको ध्यान से सुनो, ये वन मार्क क्वेश्चन के लिए अब आपने कैसे करना है इसको। बालकन,
जब भी आपके सामने वर्ड आता है बालकन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, यूरोप, कौन से कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, 15th century के नियर अबाउट, बालकन एरियाज में बहुत से एरियाज थे, छोटे छोटे एरियाज थे। मैं आपको 3-4 नेम बता रही हूँ, जैसे ग्रीस, ये तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है, ग्रीस, बॉस्निया, क्रोएशिया, सॉरी क्रोएशिया, देन और लिगुरिया, ठीक है, बॉस्निया लिख सकते हो, यू कैन राइट मेनी मोर, रोमानिया, ठीक है। तो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द एरियाज, दीज एरियाज वर अंडर द कंट्रोल, किनके कंट्रोल में थे ये, किनके कंट्रोल में थे, बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी उस टाइम पीरियड में, जैसे इंडिया में मुगल डायनेस्टी, यूरोप में कौन सी डायनेस्टी, बच्चे क्यों बोल रहे हो, These countries were controlled by Ottoman Empire, but the problem was, ये जो थे टर्क्स थे मुस्लिम, लेकिन इनमें से मोस्टली मेजोरिटी जो थी वो क्या थी, क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियन जो थे मुस्लिम के अंडर कैसे रहते, बिकॉज दीज एरियाज वर कंट्रोल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर, लाइक इंडिया वॉज कंट्रोल्ड बाय मुगल डायनेस्टी, ठीक है। अब इसके बाद इन सभी कम्युनिटीज को क्या बोलते थे, स्लेव्स, क्या बोलते थे, स्लेव्स या स्लेविक, स्लेविक कम्युनिटीज भी कहा जाता था। हु वर कॉल्ड स्लेव्स, द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, एंड दीज एरियाज, इनको ग्रुप, पूरे ग्रुप को क्या बोलते थे, बालकन एरियाज, क्या बोलते थे, बालकन एरियाज। लेकिन जैसे जैसे जो हम ये कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन आए, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, फिर जर्मनी, फिर अलग अलग कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलती गई, तो इन कंट्रीज ने भी ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, एंड एक ऐसा टाइम आया व्हेन ऑल द कंट्रीज बिकेम फ्री फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। नाउ ऑल दीज कंट्रीज बिकेम फ्री फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। अब ये कंट्रीज फ्री हो गई 18th सेंचुरी तक एंड के एंड तक, और इवन जैसे मैं ग्रीस भी आपको बताया, ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑन व्हिच, इन व्हिच ईयर, 1832 ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली 1832, एंड धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो थी वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो। अब पहले तो ये इकट्ठी थी ऑटोमन एम्पायर के अंडर, अब क्या हो गया, ये सारी कंट्रीज हो गई सेपरेट, ठीक है। एंड एक और प्रॉब्लम क्या थी, दीज एरियाज दे फेल्ट जेलस ऑफ ईच अदर आल्सो, इनके बीच में आपस में भी एनिमी, ये यूनाइटेड नहीं रह पाए, और जब कंट्रीज या एरियाज यूनाइटेड नहीं होते तो क्या होता है, वॉर। और वर्ल्ड में और भी बहुत से सुपर पावर कंट्रीज बन रही थी, कौन कौन सी कंट्रीज बन रही थी उस टाइम पीरियड में, नंबर वन रशिया, ये सारी वही कंट्रीज हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली। अब ये कंट्रीज इनको, इनकी नजर, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज थी, वो इन एरियाज को ग्रैब करना चाहते थे। कैसे ग्रैब करना चाहते थे, कौन कौन से, सारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली कंट्रीज, कौन कौन सी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की तो था ही, ठीक है। अब ये सारी कंट्रीज जो थी इन एरियाज को अटैक करके अपनी कंट्री का पार्ट बनाना चाहते थे, तो दैट वॉज द रीजन ऑफ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बालकन टेंशन। और यही रीजन आगे क्या बना, रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, यही रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्लियर।